क्या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम कौन सा स्टैंड, कौन सा माइक और कौन सा कैमरा यूज करते हैं जिससे 0 सब्सक्राइबर से लेकर के 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक कंप्लीट हो चुके हैं? तो चलिए आज अपना हम पूरा आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कितने कैमरा स्टैंड है, और कुछ स्टैंड तो इसमें ऐसे जिसको आप अपने से बना सकते हैं एकदम, मतलब आपको हम वो स्टैंड भी आज दिखाएंगे जिसको हमने शुरू में यूज किया था, और वो स्टैंड भी दिखाएंगे जो आज के समय में प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक एक स्टैंड दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो स्टैंड दिखाते हैं जिसको हमने अपने खुद से बनाया है और जिसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और बढ़िया तरीके से और कार्य भी करता है। तो ये जो स्टैंड हमारा है, देखिए ये क्या है कि एजुकेशनल चैनल बनाने के लिए जबरदस्त, यानी अगर आप पढ़ाते हैं और कॉपी पे रिकॉर्ड करते हैं तो ये स्टैंड सबसे बेस्ट है। इसमें देखिए क्वालिटी क्या है, ये कुछ नहीं है, एक यहां पर हमारे पास ये लकड़ी है और इस लकड़ी को इसको बनाने के लिए देखिए आप 1 फीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्लास्टिक वाली चाहे स्टील वाली। और ये देखिए एक मोबाइल का कवर है, ये जो मोबाइल जिसमें आती है, तो यही जो जिस फोन से हम वीडियो को शूट कर रहे हैं इसी में ये आया हुआ था। और इसमें क्या देख पाएंगे, यहां पर हमने इसको फेविक्विक के द्वारा चिपका दिया है, आप किसी भी तरह से चिपका सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, यहां पर हमने इस कैमरे के लिए जगह को निकाल दिया है, और कैमरे के बाद यहां पर आपको दिखाएं पीछे, तो इसके ऊपर यहां पर हम अपने लीड को लगाने के लिए भी जगह बना लिए। लीड का मतलब समझना ना, ये जो माइक लगाते हैं इसके लिए भी इसमें जगह बना। तो देखिए हमें जो रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले नीचे कॉपी रख लेते हैं अपना, और देखिए ऊपर लगा लेते हैं स्टैंड, और स्टैंड में हो जाती है अपनी मोबाइल फिट। तो देखिए इस प्रकार से इसकी सेटिंग करते हैं, और इस समय आपको दिखाएं हम ये जो जहां पर लगाए हैं, तो यहां पर देख पाएंगे ऐसे हम जंगला के करीब लगा देते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है इसी प्रकार से होती है, और इसमें हम बड़े आसान तरीके से देखिए इसको बंद कर देते हैं तो इसके नीचे दब सकता है, तो इससे ये रुका रहता है इस पर। अगर ये आपके पास नहीं है ऐसे बंद होता है तो इस पर आप कुछ रख सकते हैं। अगर आपके पास आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे तो आपके पास एक तरीका और हो सकता है कि आप इस पे कॉपियों का ढेर लगा दीजिए इतने ऊंचाई तक, और इसको रख करके लास्ट में एक कॉपी इसके ऊपर और रख दीजिए। अब देखिए जब हम यहां पर वीडियो ऐसे शूट करते हैं ना, तो आपको यहां पर दिखाई, यहां पर देख पाएंगे इस प्रकार से ये रिकॉर्ड करता है और बढ़िया कंडीशन में रिकॉर्ड करता है। बाद में बहुत थोड़ी बहुत अगर अगल बगल बचता है तो क्रॉप कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो स्टैंड है इस प्रकार से देखिए बेटर तरीके से काम करता है, इसका जो ये कैमरा है और बढ़िया तरीके से मोबाइल के हिसाब से काटा गया। और यहां पर हमने दिखाया आपको कि यहां पर एयरफोन लगाने वाला पॉइंटर मिल जाता है हमें, और पीछे जो इसके है यहां पर हम दिखाएंगे मोबाइल ऐसे निकाल के, तो यहां पे कैमरा। तो ये हमारा अब दिखाते हैं हम आपको, देखिए हमारे पास ये दूसरा तरीका एकदम बनाया हुआ ये भी था, और इसमें देखिए एक चीज यहां पर ये नया था कि इसमें ये इस प्रकार से एक स्टैंड का थोड़ा सा ये जो नीचे का पॉइंट है ना, ये हमारा एक स्टूडेंट ने दिया था, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है देख पाएंगे ये कुछ नहीं है, ये परमानेंट मार्कर था। मार्कर समझते हैं जिससे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जिससे लिखते हैं, तो ये वो मार्कर था लिखने वाला। और मार्कर देखिए मार्कर के आगे वाला पॉइंट को यहां पर खोल दिया गया है, और ये जो मार्कर के पीछे हमने एक छिद्र बनाया, इस प्रकार से ऐसे चूड़ियों के द्वारा इसको लगा करके इसी प्रकार से टाइट कर दिया, और जब हमने इसको टाइट कर दिया ऐसे, तो ये बन गया हमारा स्टैंड। अब हम इस स्टैंड का प्रयोग कैसे करते थे समझिए, क्योंकि हमारे पास एक होता है यहां पे सेल्फी स्टैंड, ये वाला जो सेल्फी स्टैंड है इसका देखिए कैसे, ये जो सेल्फी स्टैंड है नॉर्मल जानते हैं 50 रुपए 70 रुपए, ज्यादा ज्यादा कोई महंगा भी देगा तो 100 रुपए में लोग दे देते। तो वो जो स्टैंड हमारे पास एक ऐसा था पहले जो टूट चुका था, तो उसका क्या किया, ये जो लोहे का पॉइंट है ना ये निकाल लेते थे, और ये जो लोहे वाला पॉइंट है इसी मार्कर के बीच में ऐसे लगा देते थे, और इसी के ऊपर ऐसे लग जाता था। यहां पर देख पाएंगे इस प्रकार से देख पाएंगे कि इस पर लग जाता था, और इसमें आसानी से मोबाइल पे वीडियो बना सकते थे। और इसका प्रयोग हम काउंटर वगैरह पर वीडियो बनाते थे, जैसे कि कहीं सामने से रख करके और चेयर पे रख के बोलते थे, वहां पे प्रयोग करते। इसके बाद देखिए हमने खरीदा तीसरा स्टैंड, और ये जो स्टैंड है ना जब हमारे यूट्यूब की पहली पेमेंट आ गई थी उसके बाद इसको हमने खरीदा। देखिए इससे पहले तो हम जुगाड़ से ही चलाते थे, उसके बाद हमने ये स्टैंड खरीदा, ये स्टैंड पहली बार हमने खरीदा, और ये जो स्टैंड है ना ये किसी और में मिला था, यानी इसके साथ हमें एक लेंस भी मिला था, उसका हम यूज अभी नहीं करते हैं। तो ये जो मिला था लगभग 450 के आसपास मिला था, यानी बड़ा महंगा पड़ गया था, लेकिन इतना महंगा मिलता नहीं है, लेकिन ये स्टैंड भी बहुत सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बार-बार इसकी सेटिंग को हमें कुछ बदलना नहीं पड़ता था, और ये बढ़िया तरीके से इस प्रकार से शूट करता था, और मोबाइल सामने रख करके काउंटर पे या मेज पे बैठ करके और हम इस प्रकार से इससे शूट कर लेते थे, और बहुत ही जबरदस्त ये बढ़िया तरीके से। अब ये देखिए हमारा जुगाड़ वाला तीसरा स्टैंड, और ये जो स्टैंड था ना इसका प्रयोग हम कॉपी पे ही रख के वीडियो बनाने के लिए करते थे, लेकिन ऊंचाई पे रखते थे, जैसे हमारे पास एक फ्रिज थी ना, फ्रिज पर कॉपी को रख करके वीडियो को बनाते थे। और यहां पर देख पाएंगे हमने लगाया ये सेल्फी स्टैंड, और इसको हम पूरा कंप्लीट भी आपको दिखाते हैं। यहां पर हमने लगाया सेल्फी स्टैंड, और सेल्फी स्टैंड को लगा करके यहां से बांधे हैं धागे से, और रस्सी के द्वारा यहां पर एक तार लगाया। उससे पहले सबसे पहले कंप्लीट आपको दिखाते हैं, तो देखिए यहां पर क्या है कि एक लकड़ी है पटरा था, और ये जो लकड़ी है मेन एक लकड़ी, इसके ऊपर अंदर की साइड से किल मार दिया गया, 2 किल, तो ये लकड़ी रुक गई। अब इस लकड़ी पे हमने एक प्लास्टिक के हमें
पाइप मिल गई थी और उस पाइप को हमने दो जगह से बांध दिया, और बांधने के बाद देख पाएंगे इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, और उसके बाद इसके साथ एक डंडा भी बांध दिया गया, और यहाँ पर ये हमारा लग जाता है मोबाइल। तो इसी प्रकार से मोबाइल को यहाँ पर लगा कर मोबाइल के नीचे हमारी फ्रिज रहती थी, और फ्रिज के ऊपर हम कॉपी को रखते थे और उस कॉपी पे रिकॉर्ड करते मतलब लिखते थे, तो ये फोन जो है हमारा रिकॉर्ड करता था, तो मोबाइल से ही बना। तो ये भी हमारी वीडियो लगभग 70,000-80,000 सब्सक्राइबर तक तो हम इसी से शूट करते रहे और कॉपी पे वीडियो बनाते रहे। उसके बाद ये हमारा पांचवा मॉडल, देखिए पांचवा मॉडल में हमारे पास क्या है, ये वाला स्टैंड ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं, सस्ता भी मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता। फिर हमने मंगवाया इसको, और ये हमारे जो कंप्यूटर वाले सर है वो मंगवाए थे। इसका जो रेट था, प्राइस था ऑनलाइन उन्होंने मंगवाया तो लगभग 400 पड़ा था, जबकि ये मार्केट में अभी फिलहाल ये 250 रुपए या 200-300 मैक्सिमम और 200 में मिल जाता है। हमारा भी काफी अच्छा था, इसमें भी इसको हम बड़ा और छोटा कर सकते थे, इसको उठा करके ऐसे, लेकिन जो हम इसका प्रयोग करते थे तो हमारा ये मेज, और मेज के ऊपर रखना पड़ता है स्टूल, और स्टूल के ऊपर देख पाए यहां पर लगाते हैं हम एक छोटा सा स्टैंड, और इस स्टैंड के में लगा देते हैं एक मोबाइल, और मोबाइल के सामने लगाए अपना वहां पे बोर्ड से पढ़ाते हैं, बोर्ड के यहां खड़ा होकर के, और आसानी से पढ़ाते हैं और वीडियो शूट होती है। तो इस प्रकार से देखें हम छोटे वाले स्टैंड का यूज करते थे। इसके बाद देखिए अब हमने मंगवाया ये नया स्टैंड, और ये जो स्टैंड है देखिए अब 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद अब जो वीडियो बनेगी वो इस स्टैंड से बनेगी। तो ये हमारा डिजिटेक कंपनी का स्टैंड है, देखिए इसका मॉडल नंबर है DTR550LT, और ये स्टैंड भी काफी अच्छा है, इसका हमने एक बार यूज कर चुके हैं, आपको हम इसको खोल करके दिखाते हैं। ये हमारा डिजिटेक का स्टैंड है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी, कितनी ऊंचाई, वो आपको हम निकाल करके इसमें दिखाते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जब हम निकालेंगे तो देख पाएंगे इसके अंदर इसका एक बैग पड़ा है, यानी इस बैग के अंदर हमारा है स्टैंड, और ये स्टैंड में देखिए काफी ये जबरदस्त है, इसको आप टांग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कि इसको आसान, ये स्टैंड है इसका, और इसको आसान तरीके से ऐसे टांग करके और कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम बेटर जबरदस्त फिटिंग। अब इस स्टैंड के अंदर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसमें, देख पाएंगे कैसा, देखिए यहां पर इसको चैन को सबसे पहले ओपन करते हैं, खोलते हैं, और इसके अंदर स्टैंड ये हमारा मिलता है। अभी हम आपको माइक वगैरह भी दिखाते हैं, तो ये देखिए हमारा स्टैंड, स्टैंड को जब हम खोलेंगे तो देख पाएंगे ये स्टैंड है, अब इसके अंदर ये पन्नी में रखा हुआ है, अब इसके अंदर खोलेंगे तो देखेंगे क्या जबरदस्त डिजिटेक कंपनी का यहां पर लोगो लगा हुआ है, और इस स्टैंड को इसमें से हम निकालते हैं। अब ये हमारा आया है नया स्टैंड, इसके अंदर देख पाएंगे ये पॉइंट एक अलग है, और ये जो पॉइंट है कहां लगेगा आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये स्टैंड हमारा है, और इस प्रकार से इसको हम लगा के खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ये स्टैंड हमारा लग गया, और ये जो स्टैंड है ना काफी अच्छा, अगर आपके पास कैमरा लेते हैं बाद में तो भी सही काम करेगा। ये जो इसका पॉइंटर है देख पाएंगे ये सेटिंग करने के लिए है, इसके अंदर ये पारा वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, देखिए इसको हम लगा करके ऐसे बस टाइट कर लेंगे तो ये इसमें फिट बैठ जाए। देखिए हमारा स्टैंड, और ये डिजिटेक कंपनी का स्टैंड है, और इसमें देखिए फीचर क्या क्या है वो दिखा देते हैं आपको। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि इसको आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, और पूरी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से देख पाएंगे ऐसे आप टाइट कर देंगे तो ये बढ़िया से टाइट भी हो जाता है, और ये बड़ा छोटा भी होता है। जो स्टैंड है देख पाएंगे यहां पर इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फीचर, ये तो आप इसको सेट कर सकते हैं, इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, एक दूसरा फीचर ये कि आप यहां से इसको बढ़ा सकते हैं, और ये बढ़ाने के अलावा इसके अंदर ये सबसे पहले तो ये स्टैंड का जो नीचे वाला पॉइंट है, जो इसका पैर है यहां पर देख पाएंगे, इस पैर को भी 3 बार बढ़ाया जा सकता है। 3 बार का मतलब देखिए पहली बार बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट खुलेगा, और इसी तरह से फिर इसको कर देते हैं लॉक, और उसके बाद ये दूसरा बढ़ाते हैं, और फिर इसको भी लॉक कर देते हैं, और ये तीसरा बढ़ाते हैं फिर लॉक कर देते हैं। अब ये देखिए 2 पॉइंट में खुल गया स्टैंड हमारा, और 2 पॉइंट में खुलने के बाद स्टैंड की जो साइज है वो देख पाएंगे कुछ इतनी ऊंचाई तक अभी हुई। अब इसके बाद ये एक पॉइंट और खुलता है, यहां पर देख पाएंगे ये वाला पहला खुला, और ये दूसरा, और उसके बाद ये वाला पॉइंट रहा हमारा तीसरा, और इस प्रकार से देखेंगे अब हमारा बन गया ये तीसरा पॉइंट का स्टैंड। अब देख पाएंगे ये जो स्टैंड की ऊंचाई है वो देखिए कुछ इतनी, देखिए हाइट की ऊंचाई से ये कुछ इतना ऊंचा है, तो इससे मतलब बेटर तरीके से आप बढ़िया से शूट कर सकते हैं अगर ये स्टैंड मंगवाते हैं तो। इसका रेट भी अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो ऊपर का पॉइंट है इसके ऊपर लगाते हैं मोबाइल लगाने वाला, देखिए इसके ऊपर कैमरा भी लग सकता है और मोबाइल भी लग जाता है, तो यहां पर देखिए इसके अंदर चूड़ियां बनी होती हैं और ये इसमें फिट बैठ जाता है। अब देखिए ये हमने लगा दिया यहां पर फोन, और देखिए इस प्रकार से मोबाइल को इस स्टैंड के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है और बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है जो आप पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी अगर चाहते हैं। तो ये स्टैंड सबसे बेस्ट अभी आया यहां पर, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसके अलावा दिखाते हैं आपको माइक, माइक में बात करें तो यहां पर जिस माइक का यूज करते हैं वो है BYM1 यानी बोया कंपनी का माइक है, और ये बढ़िया काम करता है। देखिए एक माइक तो जिसकी आवाज आप अभी सुन रहे हैं वो भी हमारा वही है, यहां पर हमने दूसरा माइक मंगवा करके रख लिया, ये दूसरा इसलिए रख लिया मान लीजिए
किसी कारण कभी इमरजेंसी में अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा तुरंत कहां से मिल पाएगा, इसलिए हमने ये दूसरा भी मंगा के रख लिया। और ये जो दूसरा माइक है देख पाएंगे इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। सबसे बढ़िया तो एक फीचर हमें मिल जाता है कि हम इसका प्रयोग कैमरा में भी कर सकते हैं, यानी आप कैमरा लगाएं या मोबाइल लगाएं दोनों जगह। अगर कैमरा में लगाते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे, मोबाइल में लगाते हैं तो ये डायरेक्ट मोबाइल के एयरफोन वाले पॉइंट में लगता है। यहां पर देख पाएंगे इसके अंदर ऑन और ऑफ करने का पॉइंट होता है, तो अगर इसको मोबाइल से आप शूट करें तो ऑफ करके करना चाहिए, और अगर कैमरा से करें तो ऑन करके करना चाहिए। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए सेल भी लगा होता है, देख पाएंगे यहां पर एक सेल लगता है, और ये जो सेल होता है जब कैमरा से कार्य करता है तभी इसकी जरूरत पड़ती है, जब मोबाइल से आप शूट करते हैं तो ये सेल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेल लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं सेल खत्म तो नहीं होता लेकिन लगाना जरूरी है। और सेल के अलावा माइक के जगह पे देख पाएंगे ये जो पॉइंटर है ना ये जबरदस्त, देख पाएंगे यहां पर ये जो पॉइंट होता है कॉलर में फंसाने के लिए भी मिल जाता है, इसको पकड़ के ऐसे लगा के और कॉलर में फंसा करके और बढ़िया तरीके से शूट कर पाते हैं। तो ये जो जबरदस्त यहां पर पॉइंट है, और इस बोया का माइक जो है इसी की आवाज आप सुन रहे हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर रेट की बात करें तो ये जो हमारा स्टैंड पड़ा है बड़ा वाला डिजिटेक का, ये स्टैंड पड़ा है 1250 यानी 1250 रुपए का, जिसमें ये ऊपर जिसमें मोबाइल लगी है तो ये 100 रुपए में अलग से है, यानी 1350 रुपए का ये पड़ गया। ये जो हमारा बोया का माइक है ये 800 और 900 रुपए में मिलता है, तो ये अभी हमको 800 रुपए में पड़ा है। आप भी इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन दुकान से भी खरीद सकते हैं, और बढ़िया काम भी करता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको देखिए ये सारे प्रोडक्ट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है किसी भी स्टैंड से रिलेटेड का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।